हेलो स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। आज हम आपको इमोशंस यानी डिफरेंट मूड्स, हमारा अलग अलग मूड होते हैं, तो उसको हम आज आपके सामने बताएंगे। पहला है हैप्पी। हैप्पी हैप्पी मतलब खुश होना। सैड मतलब बहुत गमगीन होना। जब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं तो हम सैड हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, मतलब बहुत नाराज होते हैं। एंग्री गुस्से में आना, गुस्से में आना, एंग्री बोलते हैं, गुस्से में आना। एक्साइटेड, हमें जब पता चल दे कि पापा जो है हमको करगिल ले जाने वाले या कश्मीर जाने वाले, तो हम बहुत खुश होते हैं, उछलते हैं, उसको कहते हैं एक्साइटेड। मैड, मैड मतलब पागल हो जाना, गुस्से में पागल हो जाना। टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाना। आप जब पैदल वहां से उधर तक पैदल आते हो तो आप कितना ज्यादा थक जाते हो, थक के आपको नींद आ जाती है। बोर्ड, बोर्ड मतलब घर में रहकर, सुबह से शाम तक घर में रहकर आप बहुत बोरिंग हो जाते हैं, उसको कहते हैं बोर्ड। स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डर जाना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं आप रात में। हंग्री मतलब भूख लगना, बहुत ज्यादा आपने दिन भर कुछ नहीं खाया तो आपको बहुत भूख लगती है, उसको कहते हैं हंग्री। थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यास लगना, आपको बहुत प्यास लगता है। कंफ्यूज्ड, CONFUSED है, आपको कंफ्यूज हो जाता है कि आप जब जो है रात में आपको अपना घर कौन सा है, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। सरप्राइज, ताजुब करना, यानी अचानक आप जो है आपके घर में कौन आ गया, आपका बहुत करीबी कोई आ गया तो बहुत ताजुब। शाय, शाय मतलब बहुत शर्मीला, कुछ लड़के बहुत शर्मीला होते हैं, वो आते नहीं है। एम्बेरस्ड मतलब बहुत बेइज्जती सहना। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। सिली पागल। अपसेट बहुत अपसेट होना, अपसेट मतलब दुखी होना। हॉट मतलब बहुत गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। और इसके साथ मैंने जो है वो वीडियो भी दिया है, आप लोग जो है उसको भी सुनें और इसको लिखें और याद करें कि कौन से इमोशन को क्या कहें।